यस स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत छोटा टॉपिक है, लिमिटेड फॉर्मूले हैं, पर टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट लगते हैं। और दूसरा, ये हर जगह यूजफुल टॉपिक है। जब आप कैलकुलस करते हो या कहीं पे भी जनरल सॉल्यूशन देना होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक की जरूरत होती है। पहले इक्वेशन के पहले हम बेसिक एक बात समझें, जैसे इस इक्वेशन वर्ड जैसे ही आता है मतलब दिमाग में एक चीज आना चाहिए, क्या, जिसका LHS और RHS डिफाइंड हो। और जब भी इन इक्वेशन आता है तो मतलब या तो ग्रेटर देन या लेस देन, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, है ना। इसे आप बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसे आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, इसे क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसे बोलेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन, यस और नो। यानी किसी भी इक्वेशन में का नेम जो है इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं a साइन थीटा प्लस b इक्वल टू जीरो, या मैं ऐसा लिख दूं कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c इक्वल टू जीरो, तो इनको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले तो बेसिक बात यह समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कंटेन करते हैं। कोई भी इक्वेशन का नेम उसमें जो टर्म कंटेन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कंटेन करेंगे, एक्सपोनेंशियल बोला है तो एक्सपोनेंशियल टर्म कंटेन करेंगे, लॉगरिथमिक बोला है तो लॉगरिथमिक टर्म कंटेन करेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन बोला है तो एल्जेब्रिक टर्म होंगे। अब जितनी भी इक्वेशन आप पढ़ते हो एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री, जैसे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, बट जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात की जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा कि जब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है पहले ये समझें। मान लीजिए कि मैंने लिखा है साइन थीटा और सपोज इक्वल टू लिखा है जीरो, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि थीटा की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो आप बोलेंगे, सुनिए, आप बोलेंगे जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, इवन माइनस पाई, माइनस टू पाई एंड सो ऑन, बोलेंगे कि नहीं। यानी इस समय आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बताएंगे। अभी आपने जब इन इक्वेशन पढ़ा था जब बताते थे आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, पर जब वो कंटिन्यूस होते थे, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, जीरो के बाद सीधा इंटरवल में नहीं लिखेंगे इसको, अगर कभी इसको लिखना ही होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, जीरो पाई टू पाई, क्योंकि क्या है ये डिस्क्रीट है ना, हाँ, माइनस पाई, माइनस टू पाई एंड सो। तो डिस्क्रीट सॉल्यूशन है यहां पर, कंटिन्यूस नहीं है इसलिए इंटरवल नहीं। पर यहां पर एक चीज समझ में आई कि बाकी जगह पर जैसे मैंने लिखा 3x plus 4 equal to 0, तो आप बोलते सर x की एक ही वैल्यू माइनस 4 बाय 3। सपोज मैंने लिखा होता e पावर x इक्वल टू 1, तो आप बोलते सर x की एक वैल्यू है 0। यानी यूनिक फाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाते, पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक ऐसा जिसमें कि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इन मैनी सॉल्यूशन के वजह से ही हम यहां पर जो सॉल्यूशन निकालते हैं वर्ड यूज करते हैं इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या यूज करते हैं वर्ड, जनरल। तो बात समझ में आई कि जनरल वर्ड क्यों यूज किया, कि जनरल वर्ड मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर कंडीशन को, जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, इसलिए उसे जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं, अभी आप बस समझना, नोट बाद में करना, फिर एक एक करके पढ़ाऊंगा, अभी तो एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर मुझे जनरल टर्म में लिखना था तो मैंने लिख दिया एन थीटा। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैं एन को डिफाइन नहीं करूंगा, एन का मतलब होगा इंटीजर से, अगर एन का मतलब इंटीजर के अलावा कुछ और हुआ तो मेंशन कर दूंगा, नहीं किया तो इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, यस और नो। तो अब देखो, आपने एन की जगह जीरो रखा तो भी हो रहा है, वन रखा तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, टू रखा तो भी हो रहा है, थ्री रखा तो भी हो रहा है, फोर रखा तो भी हो रहा है, फाइव रखा, माइनस वन, माइनस टू, जो भी रख रहे कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन होता है। तो डिफरेंस समझ में आया पहले आपको, कि डिफरेंस क्या है, यहां पर आप पर्टिकुलर निकालते हो, जनरल निकालते हो। इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब पढ़ते हैं हम तो इन टर्म ऑफ कॉम्पिटेटिव, कई बार आपका आंसर और बुक का आंसर अलग हो सकता है, यानी इसके यूनिक आंसर्स नहीं होते, इसलिए हमें कई बार ऑप्शन ओरिएंटेड भी होना पड़ता है।
तो वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी तो पहले बेस बनाना ही, बात समझ आई। अब मान लो पर यही क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा बिलोंग टू जीरो टू टू पाई, ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे। अब क्या होता, तो अब आपको बोला है कि जीरो से टू पाई में, अब आपका क्वेश्चन केवल इतना सा हो गया कि जीरो से टू पाई में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो कितने होंगे, जीरो पाई और यहां पे इंटरवल क्लोज्ड है। मान लीजिए कि ये इंटरवल ओपन होता तो केवल पाई होता, तो कब जनरल सॉल्यूशन देना है कब पर्टिकुलर, ये भी डिपेंड करेगा। अगर कभी लिमिट दे दें, रेंज दे दें कि थीटा इस रेंज से निकालना है, तो फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये फाइनाइट हो गए। और अगर आपको रेंज नहीं दी है तो आप हमेशा जो सॉल्यूशन बताते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही बताते हैं, एक बात ध्यान रखिए, कौन सा बताते हैं, इनफाइनाइट। और फिर उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं, एक ऐसी फॉर्म जितने आंसर आप बोल रहे हैं उन सभी को सेटिस्फाई कर रही हो, उसे जनरल फॉर्म बोलते हैं। तो इसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा आपको कैसे करते हैं, पर ये लॉजिक समझ में आया, तो ये पहली बेसिक बात हुई। अब मान लो, अभी समझते चलना, आप लिखना बाद में, बाकी सब क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे। अब मान लीजिए कि ये बात ऐसे बोलूं मैं कि साइन थीटा इक्वल टू, सपोज मैंने कहा 1/2, साइन थीटा इक्वल टू सपोज मैंने बोला 1/2, अब क्या होगा, तो अब आप बोलोगे आपको पता है साइन थीटा 1/2, साइन पॉजिटिव कहां पे होता है, ऑल साइन टेन कॉस, यानी फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। तो आप यहां पर जब एंगल बोलना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना, ये भी 30 है, यहां से भी 30 बना, पर मेजरमेंट हमेशा फर्स्ट से यहां तक होता है, तो आप क्या लिखते हैं बताओ, आप लिखते 30। अच्छा, नॉर्मली जब हम इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं तो हम जो सॉल्यूशन देते हैं वो रेडियन में देते हैं, इन जनरल डिग्री में कम देते हैं, तो डिग्री से रेडियन करना तो आता है आपको, कि 30 डिग्री है तो कभी भी रेडियन में करना है तो पाई अपॉन 180, तो आपने लिखा पाई बाई 6, तो आपने बोला पाई बाई 6, या आपने बोला, अब देखो पाई बाई 6 यहां पे 180 में पाई बाई 6 करो तो 5 पाई बाई 6, या सो नो, फिर पूरी एक साइकिल आई, ये पाई बाई 6 है, तो कितना हो गया 2π + π/6, 13π/6, फिर पूरी एक साइकिल आई, यहां तक 5π/6 था, तो 2π में 5π/6 ऐड कर दो, तो 2π में 5π करोगे तो 12 + 5 17π/6, या सो नो, फिर 4π में ऐड कर दो, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, 2π के बाद वैसे ही रिपीट होता जाएगा, तो अब फिर आपने 2π ऐड कर दिया इसमें, 2π 4π हो गया, तो आप बोलो 4π + π/6 25π/6, बिल्कुल सही, और बोलो 2π + 5π/6 वो 4π सॉरी 24 + 5 29π/6, ऐसे तो लिखते जाओगे आप, यस और नो, कहां तक इन। तो अब हमें इसका एक ऐसा सॉल्यूशन बताना है जो कि हर कंडीशन को या हर एंगल को सेटिस्फाई करे, और ये तो अभी हम पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव भी एंगल होंगे, एंगल नेगेटिव भी होंगे, वो भी हम लिखेंगे, बात समझ में आ रही है, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि -150° का क्या वैल्यू होगा, तो देखो साइन -150 जब लोगे क्लॉकवाइज जाओगे, साइन 150 तो पॉजिटिव ही होगा, यहां पर लेना पड़ेगा आपको, तो 210। अगर मैं बोलूं कि -sin 210 इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा -sin 210, फिर लिखोगे 180 +30, देन दिस इज -sin 30, तो प्लस हो जाएगा, यस और नो, तो निगेटिव भी होंगे, पर नॉर्मली हम प्लस से करते हैं तो वो भी काम चलेगा हमारा। अब एक चीज समझ में, आपको इतने सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं दिया तो सब सॉल्यूशन होंगे। मान लो कि मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता, 0 to 2π, तो फिर आप केवल ये ही दो सॉल्यूशन लेते, कौन से, 5/6 और 5π/6, यस और नो, फिर केवल दो ही सॉल्यूशन लेते, ओनली टू, 5/6 और 5π/6। बहुत यूजफुल टॉपिक है, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको,
और कुछ तो लेते नहीं, तो ये कहलाता है फाइनाइट सॉल्यूशन, ये कहलाता है इनफाइनाइट। पर अब इनफाइनाइट में ये एंगल ना लिख के हम एक ऐसा एंगल लिखते हैं जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब ये कैसे लिखेंगे मैं आपको विद कंसेप्ट बताता हूँ, फिर एक एक करके हम फॉर्मूले पढ़ने चालू करेंगे। ये बताइए अगर मैं 30 थोड़ी देर के लिए मान लूं, तो यहां पर ये पाई बाई सिक्स है और यहां पर कितना है, पाई माइनस पाई बाई सिक्स है, यस और नो? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी एक है थीटा और एक है पाई माइनस थीटा। अगर मान लो आप थोड़ी देर के लिए बोलते हो थीटा, तो अगला एंगल क्या होगा, और फिर टू पाई टू पाई टू पाई ऐड होता जाएगा, उसके बाद तो टू पाई की साइकिल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर पहला समझ में आया आपको, अब पहला पॉजिटिव है दूसरे में पाई माइनस करना है। अगर आपको कभी भी प्लस माइनस पॉजिटिव लिखना है, मान लो प्लस माइनस अल्टरनेट लिखना है, तो क्या तरीका होता है बताइए? अगर प्लस माइनस अल्टरनेटिवली लिखना है तो क्या तरीका होता है, आप माइनस वन की पावर एन लिख दो। आपने जीरो रखा तो प्लस, वन रखा तो, पता है ना एन अगर ऑड होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, और एन इवन होगा तो बिल्कुल सही। तो अब आप एक बार बताइए कि एक बार आप ऐड कर रहे हैं और एक बार आप क्या कर रहे हैं, एक बार थीटा और एक बार पाई माइनस थीटा है ना। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं, अभी समझना, फिर उसके बाद आपको खुद ही कि साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल हो, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिखता भी, चलो इसी के बताता हूं फिर इसको समझाऊंगा, अभी बिना फॉर्मूले भी समझाता हूं। एक बार पाई बाई सिक्स है और एक बार बोलो क्या है, पाई माइनस पाई बाई, यही ना। तो मैं अगर ऐसा लिख दूं एन पाई, क्योंकि पाई का मल्टीपल है, प्लस माइनस वन की पावर एन इन टू पाई बाई सिक्स। वन बाई टू कब होता है, लीस्ट एंगल क्या, पाई बाई सिक्स। अब देखो एन की जगह जीरो रखो, अब आपको खुद कंक्लूजन मिलेगा, एन की जगह जीरो रखो, जीरो रखा तो पाई बाई सिक्स, वन रखना, वन रखा तो पाई जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, टू रखो, टू रखा तो टू पाई प्लस, ये देखो ये पूरी साइकिल हो गई, या सुन लो माइनस थ्री रखो, पहले टू पाई का थ्री रखो, थ्री पाई माइनस, ठीक है, कितना आ गया ये 15, नहीं 12, 13, देखो यही निकलते जा रहा है एंगल। फोर रखो, फोर पाई प्लस पाई बाई सिक्स, 25 पाई बाई सिक्स, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो आपने क्या करा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर इनटू पाई बाई सिक्स लिख दिया, वो भी किस लॉजिक से, खुद ही लॉजिक बना लिया आपने कि पहला क्वाड्रेंट है और दूसरे में पाई माइनस थीटा, राइट। तो अब आपको यहां पर इस तरह के ऐसे फॉर्मूले पढ़ने हैं जिससे कि हम जनरल सॉल्यूशन दे पाए, और वो हर एक एंगल को, जितने एंगल मैंने लिखे हैं इन सभी एंगल को, इसके इनफाइनाइट आंसर है ना, तो इनफाइनाइट के इनफाइनाइट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। कोई बच्चा माइनस वन रखे, जरा इसमें रखो, माइनस वन रखा तो माइनस पाई, माइनस वन पे ऑड है तो माइनस पाई बाई, तो माइनस सेवन पाई बाई सिक्स, याद है मैंने अभी 210 डिग्री बताया भी था, अरे अभी दो मिनट पहले एग्जाम्पल भी भाई 210 ही लिया था, पहला नेगेटिव एंगल लिया था, पैसे नेगेटिव में चलता जाएगा। तो आप यहां पर एन की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टर्म दिए होंगे जिनका हम या तो जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फाइनाइट सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे। जनरल सॉल्यूशन विदाउट कंडीशन होता है और पर्टिकुलर या फाइनाइट सॉल्यूशन ऑलवेज एक गिवन सर्टन कंडीशन में ही हम निकाल सकते हैं, वो कंडीशन दी होगी कि किस एंगल से किस एंगल तक, तो उसमें काउंटेबल सॉल्यूशन निकलेगा बाकी अनकाउंटेबल निकलेगा, राइट। तो अब कुछ लिमिटेड फॉर्मूले वो लिखना चालू करते हैं। अब आप लिखिए, अभी ये इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको समझाया, टॉपिक का जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा जब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं। लिखिए नंबर वन, मान लीजिए कि साइन थीटा, पहला फॉर्मूले पे आते हैं कि अगर सपोज साइन थीटा की वैल्यू जीरो है तो थीटा क्या क्या होगा, तो आपसे ही बनवाऊंगा फॉर्मूले। आप बोलोगे सर जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई माइनस टू पाई, ऐसे ही बोलोगे। तो हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो एन पाई, ये पहला फॉर्मूला हमारे पास यहां साइड में लिखते चलते हैं जो काम आएंगे,
पहला फॉर्मूला निकल के आया कि अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा की वैल्यू एन पाई होगी। अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा की वैल्यू एन पाई होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मान लीजिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं कि कॉस थीटा जीरो हो तो क्या होगा। अब फॉर्मूला खुद ही बनाना है आपको। कॉस कब कब जीरो होता है कुछ एंगल तो बताइए सर। पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे तो आप ऐसा बोलोगे पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, है ना। वैसे इन फॉर्मूले को निकालने में एपी बहुत रोल करता आ रहा कि एपी का जनरल टर्म निकाल दो अपने आप हो गया। अब एक बार बताओ पाई बाई टू तो सबका पार्ट कॉमन होगा, ये क्या है वन थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस वन माइनस थ्री, यही है ना। ऑड को कैसे लिखा जाता है आपको पता है, इवन लिखना है तो टू एन, ऑड लिखना है तो टू एन प्लस। देखो आप एन की जगह जीरो रखो तो वन मिलेगा, वन रखोगे तो थ्री, टू रखोगे तो फाइव, थ्री रखोगे तो सेवन। तो हम क्या लिखेंगे, अगर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है तो थीटा होगा टू एन प्लस वन और पाई बाई टू सबका कॉमन है इसलिए पाई बाई टू। अब आपने जैसे ही एन की जगह जीरो रखा तो पाई बाई टू, वन रखा थ्री पाई बाई टू, टू रखा फाइव पाई बाई टू एंड सो ऑन। क्लियर है बात। तो यहां पर अगला हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया निकल के, कॉस थीटा जीरो हो तो थीटा इज टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू। बहुत लिमिटेड फॉर्मूले पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा कंसेप्ट लगेगा, फुल कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए यही बात साइन और कॉस के साथ साथ मैंने आपको टेन के साथ बोली होती, ये था साइन थीटा, ये था कॉस थीटा। अब ये बात अगर मैं टेन के साथ बोलूं तो क्या होगा, मैं बोलूं आपसे टेन थीटा जीरो। सबसे पहले बताओ टेन जीरो कब होता, ऑब्वियसली जब साइन जीरो होता, तो जो फॉर्मूला साइन का वही टेन का रहेगा, ये तो एक खास बात है। तो इसका मतलब अगर आपको कभी टेन थीटा जीरो दिया है तो थीटा इक्वल टू एन पाई ही होगा। एंड सेम थिंग कि अगर मैं बोलू कॉट थीटा जीरो है तो कॉट मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। तो कॉस अपॉन साइन यानी जब कॉस होगा तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला वही होगा जो कॉस का है। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में कि कॉट थीटा अगर जीरो है तो थीटा होगा 2n प्लस 1 इन टू पाई बाई टू। क्लियर है बात। अब अगर मैं आपसे बोलूं पहले ये चार बिल्कुल फोर बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ sec थीटा जीरो होगा तो क्या या cosec जीरो होगा तो क्या, तो आप इमीडिएटली बोलेंगे कि sec और cosec जीरो नहीं होता है क्योंकि sec और cosec रेसिप्रोकल है, वन अपॉन cos है ये वन अपॉन, तो ये जीरो नहीं होते इसलिए इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यानी ये फोर फॉर्मूले ही आए, खुद से करोगे कंसेप्ट बना के पढ़ोगे तो इम्पॉसिबल है। अभी तो बेस है, फिर जब एक बार बेस होगा फिर टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके क्वेश्चंस, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं। ये क्लियर है इतना। चलिए अब इन फोर पे बेसिक कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो कि मैं आपको बोलूं साइन थ्री थीटा बाई टू इक्वल टू जीरो देन थीटा, तो आप बोलते क्या थ्री थीटा बाय टू इक्वल टू जीरो है तो एन पाई लिखोगे आप, वो फॉर्मूला है लिखा, तो थीटा कितना हो गया। हाँ आप आंसर हमेशा थीटा के टर्म में देंगे। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो कॉस टू बाय फाइव
थीटा इक्वल टू जीरो। तो आप क्या आंसर बोलेंगे? तो आप बोलेंगे 2/5 थीटा इक्वल टू, बोलो बेटा 2n+1 पाई बाई टू। तो थीटा हो गया 2n+1 इन टू 5π/4। बात समझ में आ रही है ना? मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि tan 6 थीटा इक्वल टू जीरो, तो 6 थीटा इक्वल टू एन पाई, देन थीटा इक्वल टू एन पाई बाय 6। यस, ये क्लियर है इतना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं थोड़े इसके आगे क्या फॉर्मूले पे, कि मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो। साइन थीटा इक्वल टू, जैसे मैंने एक लिखा था 1/2 लिखा था ना, तो अब 1/2 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो सकता है साइन थीटा √3/2 एंड सो ऑन, से कई सारे। तो हमें हर एंगल निकाल के चेक नहीं करना है, तो हम इसके पहले इसका एक जनरल फॉर्मूला बना ले और फिर क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो आपके पास पहला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला आता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब एक बार बताइए, अभी मैंने बताया था साइन कब कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में ये अल्फा होगा, ये पाई माइनस अल्फा होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे ही लिख सकता हूं एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू, ये पहला फॉर्मूला आया विद कंसेप्ट विद लॉजिक, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन इंटू अल्फा। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आया। कि अगर ऐसा लिखा है तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस, आपको लॉजिक भी समझ में आ गया ना कि ओरिजिनली बना कैसे, कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है, जनरल कॉन्सेप्ट से, मैथमेटिकल इंडक्शन से। आपने देखा कि हर बार पाई माइनस अल्फा हो रहा है, करते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। अब दो तीन क्वेश्चन बताता हूं फिर आगे बढ़ूंगा, जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट बने। जब भी थ्योरी पढ़ो तो कोशिश करो बेसिक खुद बनाने की कोशिश करो। अब मान लो क्वेश्चन होता है √3/2। अब एक नोट जरूर डालना कि अल्फा क्या है, क्योंकि अगर मैंने लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो एक बच्चा बोलेगा पाई बाई सिक्स, एक बोलेगा 5π/6, एक ने बोला 13π/6, तो क्या, तो अल्फा के लिए सभी लोग यूनिफॉर्म रहे, इसलिए एक चीज डिसाइड कर दी कि लीस्ट पॉजिटिव एंगल। अल्फा क्या है? लीस्ट पॉजिटिव एंगल, जो सबसे छोटा एंगल है उसे ही मान लिया जाए, जिससे कि दो लोगों में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अब मैंने अगर लिखा है साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो साइन थीटा का √3/2 है, तो बताओ क्या हो जाएगी वैल्यू? हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई थ्री। क्यों? √3/2 कब कब होगा समझना आप जरा बेटा, √3/2 होगा π/3 पे, फिर 2π/3 पे, ऐसे चलता जाएगा। तो कोई बच्चा अगर 2π/3 लिख दे तो गलत नहीं है, आंसर भी गलत नहीं है, बट वो मैच नहीं करेगा ऑप्शन से, इसलिए बस। और कई बार हो सकता है ऑप्शन में 2π/3 दिया, इसलिए इस क्वेश्चन में कोई थंब रूल नहीं होता। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ नॉर्मली लीस्ट एंगल होता है, फिर भी डिपेंड ऑन ऑप्शन। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहा हो तो टूवर्ड ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा आपको। तो आप बोलो यहां पर आपने लिख दिया ये अल्फा हो गया, तो आप सॉल्यूशन सेट बोलो क्या हुआ, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इन टू पाई बाई थ्री। क्लियर है? अब मान लो कोई बच्चा ऐसा लिख दे तो क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत नहीं है, पर 99% चांस है आपको यही लिखा मिलेगा, दोनों तो मिलेंगे ही नहीं। खैर, तो अब इस पर थोड़ा सा ऑप्शन की हेल्प भी लेते हैं, पर इसके चांसेस कम के कम से कम है, पर अगर लिखा हो तो गलत नहीं होता है। पर इसमें लेने से नुकसान ही होता है कि कुछ एंगल छूट सकते हैं, वैसे छूटते इसमें भी नहीं है, किसी में भी नहीं छूटते, होते वही है, वो आगे पीछे मैनेज हो जाते हैं।
बात समझ में आई? तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूजफुल टॉपिक है, हर जहां पे भी देखो यूज आता है इसका। और लिखते हैं क्वेश्चन जरा। बिल्कुल पहले बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करना ही जरूरी होता है। अब देखो मान लो कि ऐसा दिया हो, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो आप इसे बोलेंगे साइन पाई बाई 4 बोलेंगे। लीस्ट एंगल लिया हमने, 3π/4 भी लिख सकते थे, बट हम अब लीस्ट पे ही जाएं। लीस्ट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है पॉजिटिव होता है, इसलिए 99% केस में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को कंसीडर करते हैं। अब आप बोलो क्या लिखोगे? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। यस और नो? नेक्स्ट मान लीजिए साइन 3θ इक्वल टू 1 दिया है, साइन 3θ इक्वल टू सपोज 1 दिया, अब क्या होगा? तो आप बोलेंगे साइन 3θ इक्वल टू साइन पाई बाई 2। क्यों बेटा? तब आप बोलोगे 3θ इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू बोलो 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एन पाई बाई 3 प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6। ये फाइनल आंसर। यहां पे हमेशा थीटा ही दें आप। अभी बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब मान लो ऐसा दिया है साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। अब मान लो आपको दिया है साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। अब अगर माइनस 1/2 दिया है तो भाई या तो माइनस वाले एंगल को कंसीडर करें, या एक और तरीका हो सकता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब ऐसा लिख लू साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 लिख सकता हूं। यस और नो? साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 माइनस पहले लगा। अच्छा अब आपको, हाँ वो भी अभी आ रहा हूं, 2 मिनट बेटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? यही होता है ना? तो अब आप क्या करोगे, आप इसे लिख लोगे साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6। यस और नो? तो आप यहां पर ये लिखा आपने, अब आप अल्फा ऐसे ही मान लो, तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? तो हम चाहे तो एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि अगर कभी ऐसा दिया हो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा, तो आप बोलेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस, समझे कि नहीं? क्योंकि आप इसे ऐसा लिख लेंगे। अब आपके पास एक और, यहां पे मैं सर्कल में इसलिए लिखता चल रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे। तो थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस देन देखिए यहां पर एक चीज, जैसे ये लिखा हमने, है ना, ये बिल्कुल सही है। लीस्ट पॉजिटिव बोला मैंने, पॉजिटिव लिया बाद में माइनस लिखा। अब एक और तरीका हो सकता था, आप में से कोई भी कर सकता था, इज नॉट रॉन्ग। यही तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर आप, हाँ बिल्कुल सही, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यही लिख लेते, ठीक है। साइन 7π/6 का मतलब होता है पाई प्लस पाई बाई 6, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा,
एंड दिस इज माइनस वन बाय टू। तो आपको ये भी एक सॉल्यूशन मिल सकता था। अब आपको दिखने में ये दोनों अलग अलग दिख सकते हैं पर एक्चुअल में अलग अलग नहीं है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। चांसेस इस बात के हैं ऑप्शन में इसके कम है, बट ये भी हो सकता है, इसलिए इसमें यूनिफॉर्म ही तो आंसर नहीं होता है, इसलिए कई चीजें ऑप्शन पे डिपेंड करती है। दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों चीजें भी करेक्ट है। अब आप बोलोगे यही, आप एन की जगह जीरो रखो तो क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, सेवन पाई बाई सिक्स। ठीक है, अब यहां रखो एन की जगह, अब इसमें माइनस वन रख लो, मतलब आप टू रख लो, जरा टू रखो, वन रखो, वन आपने रखा टू, मान लो आपने जीरो रखा तो मिला माइनस पाई बाई सिक्स, आपने रखा मान लो वन तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स, अच्छा माइनस माइनस प्लस जाएगा तो कितना आ गया, सेवन पाई बाई सिक्स। वो एन के अलग अलग वैल्यू पर सब मैच करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये दिमाग में मत रखो कि आपने आंसर गलत दिया है, बोथ आंसर्स आर राइट। अब कौन सा देना है ये क्वेश्चन है, तो भाई ये तो ऑप्शन डिसाइड कर देगा। बाकी आप अगर सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हो तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, नंबर थोड़ी कटेंगे, नंबर माइनस नहीं होंगे कोई, दोनों बिल्कुल सही, क्लियर है। बस तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये बात क्लियर है, तो अगर आप चाहें तो माइनस को प्लस बना के कर लें वो भी चलेगा, और माइनस को प्लस नहीं बनाना, देखिए माइनस को प्लस बनाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना और माइनस ही रहने देंगे तो दोनों में आंसर सेम आता है। आप जैसे ही एन की वैल्यू रखना चालू करते हैं वन टू थ्री जीरो माइनस वन, वो एंगल मैच होना चालू हो जाते हैं, उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। वन मोर क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू। आप बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई फोर, क्यों, अगर माइनस वाला यूज कर रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस माइनस वन की पावर एन इंटू बोलो पाई बाई फोर, यस और नो। क्लियर है बात, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू बोलो पाई बाई थ्री, तो थीटा इक्वल टू एन पाई यस और नो, साइन थ्री थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाय टू बोलिए, साइन पाई बाई थ्री, तो थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई इंटू पाई बाई थ्री, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं नेक्स्ट, आप कॉस के फॉर्मूले पे आते हैं, पहले एक बेसिक राउंड फॉर्मूले का ले लें, फिर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में काफी टाइप्स वैरायटी मिलेंगे आपको, फिर बात करते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इक्वल टू, अब देखो कॉस कब कब पॉजिटिव होता है बताओ, फर्स्ट में और फोर्थ में, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा टू पाई माइनस थीटा होगा, अरे यू घूम के जाओगे तो टू पाई माइनस थीटा ना, क्योंकि यहां से यहां तक टू पाई है और फिर टू पाई प्लस फिर टू पाई माइनस, ऐसे ही चलेगा। तो सिंपल आप बोलेंगे थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये एक और फॉर्मूला आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा देन थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। हाँ उससे देखो साइन में करके भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जैसे मान लो वन बाय टू लिखा बेटा, साइन में करके करना है तो यही साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाय टू हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस सिक्स थर्टी पे कितना सॉरी सिक्सटी पे वन बाय टू होता है,
तो साइन की तब मैं कर सकता हूँ, आंसर अलग अलग दिखेगा, पर दिखेगा होगा नहीं। और जब एन की वैल्यू रखना चालू करते हैं ना 1 2 3 4 0 तो मैच एंगल मैच करने लग जाता है, तो विजिबिलिटी वाइज देखने वाइज अलग दिख सकता है पर एक्चुअल में अलग नहीं होता है वो, तो इसलिए कॉस के टर्म में ही करते हैं, पर करना चाहो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, आप बताओ कब कब होगी, आप खुद ही बोलोगे सर 60 पे और यहाँ का भी 60, तो 60 और 2π - π/3 यानी 300 तो ही बोलोगे ना, तो वही 2nπ इसलिए लेते हैं। और अगर इसमें एन की जगह 0 रख दो प्लस माइनस अल्फा मतलब क्या, +60 - 60। तो अब आप बोलो क्या लिखोगे, कॉस थीटा 1/2 है तो कॉस पाई बाई 3, बोलो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 2nπ + -π/3। अब यहां पर देख के आंसर बहुत अलग दिखेगा आपको, यहां देख के बताओ क्या दिखेगा, nπ + -π/3 यही दिखेगा ना। अब आपको ये कितना अलग दिख रहा है, फील वाइज अलग है ना, पर आप वैल्यू रखना चालू करो n की, आपको सेम मिलने लगेंगे एंगल। डन। इसलिए आपको मेरा सजेशन है जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में करें तो आपका मैच इजीली होगा, बनाए इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा कॉस 2θ इक्वल टू 1/√2, कॉस 2θ इक्वल टू 1/√2, बोलिए। तो आप इसे बोलेंगे कॉस पाई बाई 4, तो आप बोलेंगे 2θ इक्वल टू 2nπ + -π/4, 2 का डिवाइड तो nπ + -π/8। डन। अब यहां पर भी एक बात आती है निकल के कि अगर निगेटिव हो तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये निगेटिव होता तो क्या होता, वो भी आती है सामने कि ऐसा होता। अब देखिए साइन थीटा में क्या हुआ था, समझना, आपने इसे ऐसा लिख दिया यस और नो, और वही प्लस का फॉर्मूला, पर कॉस माइनस थीटा क्या नहीं होता, तो इसको मैं ऐसा ही लिख सकता हूं यस और नो, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस कॉस अल्फा होगा, तो आपने लिखा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस अल्फा, राइट। अब ये पाई माइनस अल्फा ये थीटा है, तब बोलो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2nπ + -, ये पूरे अल्फा है तो π - α, फॉर्मूला यही होता है, तो ये फोर्थ फॉर्मूला लिखो कॉस थीटा इक्वल टू -cos α देन थीटा इक्वल टू 2nπ + -π - α। क्लियर है बात। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, अब यहां 2, 3 दिया उससे तो कोई कंफ्यूज हो गए नहीं, वो तो डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा इक्वल टू आप उसे अभी ऐसे लिखा है तो कॉस पाई बाई 3, माइनस को भूल जाओ ना, ये लीस्ट एंगल हो गया ना पॉजिटिव में, कॉस पाई बाई 3 कितना 1/2 और आगे नेगेटिव लगा। अब आप यूज करोगे फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 2nπ + -π - तो थीटा इक्वल टू 2nπ + -2π/3,
टू पाई बाय थ्री, यस और नो? अब क्या होता है, ये जैसे आपको आ गया समझ में, आप कोई चाहे तो डायरेक्टली बताओ माइनस वन बाय टू सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और ये कितना होता है 120, तो आप डायरेक्ट भी लिख देते तो भी चलता, कोई जरूरी थोड़ी पाई माइनस लगाओ। ये तो कह रहा हूं थोड़ा सा फ्रीडम आपके पास है इस टॉपिक में, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। तो आपने डायरेक्टली टू पाई बाई थ्री लिख दिया होता तो भी चलता, अब आप बोलते तो आप यही बोलते थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाय थ्री। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू, क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू कॉस में, है ना? तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई, अभी समझाने के लिए लिखता हूं, आप डायरेक्ट लिखा करें, डन। नेक्स्ट, अब जैसे साइन का फॉर्मूला है कॉस का, वैसे टेन का भी होगा, तो वो भी देख लेते हैं। अब टेन के साथ देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं बोलूं टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है, टेन कब कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और थर्ड में, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ये अल्फा तो ये कितना पाई प्लस अल्फा, या सुन लो ऐसे निगेटिव होता है फोर्थ और सेकंड में, तो सीधा लॉजिक है कि इसका फॉर्मूला हो गया थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, नॉट प्लस माइनस, प्लस अल्फा। लॉजिक समझ में आ गया ना, ये अल्फा एंड दिस इज पाई प्लस अल्फा, और अगर टेन थीटा इक्वल टू ये भी लिखी लो माइनस टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू प्लस के जगह क्या जाएगा एन पाई माइनस अल्फा। एन पाई माइनस अल्फा, अब जरा आप ध्यान दें तो ये साइन थीटा का, ये साइन का, ये कॉस का है ना, इसमें सब आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये अपने पास लिमिटेड फॉर्मूले, बहुत ज्यादा है ही नहीं, पर मैंने आपको sec का फॉर्मूला ले लिखवाया। मान लो अगर ऐसा लिखा होता sec थीटा इक्वल टू sec अल्फा तो क्या होता फॉर्मूला? वही होता जो, हाँ वही होता जो cos का होता है, इसको आप लिखते वन अपॉन cos, इसको लिखते वन अपॉन cos एंड देन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। बस एक चीज होती है इस वाले फॉर्मूले में और उसमें, कि उसमें वो जीरो हो सकता है, इसमें जीरो मतलब ये जीरो नहीं डिफाइंड हो सकते, वो वैसे भी सेक में वैल्यू जीरो नहीं होती इसलिए कोई उलझन नहीं। तो मतलब सेक का फॉर्मूला, कॉसेक का फॉर्मूला और क्वाट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये तीन ही पढ़ने होते हैं, टेन से क्वाट का बन जाएगा, कॉसेक से साइन का बन जाएगा, लाइक दिस। ये क्लियर है बात? एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है वो और बताया था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें जरा समझें कि स्क्वायर वाला बताया था उसका कंसेप्ट भी समझा दूंगा। सपोज ऐसा होता साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब कभी कभी ऐसा आता है ना क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान लो वन बाय फोर दिया, तो एक तरीका है साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय टू, एक बार प्लस लेके एंगल निकालो एक बार माइनस, फिर कंबाइन कर दो
थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, इसलिए स्क्वायर के अलग से बनाए गए फॉर्मूले। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सबके फॉर्मूले एक ही है। पहले क्यों एक है वो समझ लो, क्योंकि साइन स्क्वायर को लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर, या सुन लो वन से वन कैंसिल तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसी को चाहो तो ऐसा लिख सकते हो अपॉन में sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन, और ये क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, तो इसलिए सबके फॉर्मूले एक ही है क्योंकि तीनों एक ही चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब अगर हम समझें तो यहां पर क्या होगा बताओ, इन सभी का फॉर्मूला ये होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, बस ये फॉर्मूले। पर इसका मतलब नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ये फॉर्मूले, पर जब क्वेश्चन करोगे तो जो फंक्शन पढ़ चुके उसके सारे फॉर्मूले के साथ ये फॉर्मूले यूज करने होंगे जो जनरल सॉल्यूशन को बता रहे होंगे। ओके तो जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय फोर, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाय टू का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बोलो पाई बाई सिक्स लिखा से स्क्वायर रूट ना ले, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास तो ऑलरेडी फॉर्मूला है ना, पर वो कंबाइंड करना पड़ता है उसमें टाइम लग जाता है, तो हम ये यूज करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, तो थीटा इक्वल टू बोलो क्लियर हो नॉट। मान लो आपको कभी क्वेश्चन दिया हो, मान लो आपको कभी क्वेश्चन दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री बाय फोर, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, यस और नो। तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोलो कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, अभी एक मोस्ट जनरल सॉल्यूशन वगैरह भी होता है वो सब बताऊंगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये फॉर्मूले थे, अब कुछ जरा क्वेश्चंस करेंगे फिर धीरे धीरे इसके अपने आप ही इसके कंसेप्ट बनते जाएंगे। सपोज आपको क्वेश्चन दिया लिखिए साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन फाइव थीटा इक्वल टू जीरो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए ये बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है समझिएगा, साइन थीटा साइन थ्री थीटा साइन फाइव थीटा इक्वल टू जीरो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। अब इनमें इन दोनों को अगर मैं एक साथ ले लूं, अब इसमें बहुत कुछ ऑप्शन तो डिपेंड करता है, ये लिया और प्लस साइन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो लिखा, राइट सीडी फॉर्मूला यूज किया, पूरा फंक्शन के कॉन्सेप्ट तो पूरे लगने वाले इन फॉर्मूले के अलावा, ये फॉर्मूले इस टॉपिक के लिए, पर इस फॉर्म तक जाने के लिए तो पहले लगेगा ना फंक्शन। अब क्या होगा, आपने बोला साइन थीटा प्लस साइन फाइव थीटा, तो सीडी फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले जब भी आप मौका मिले लिखा करो, जितना प्रैक्टिस के समय जितना लिखेंगे उतना अच्छा है। तो टू साइन सी प्लस डी बाय टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, तो जब आपने लगाया तो आपने लिखा टू साइन थीटा प्लस 5 थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा माइनस 5, ये लिखना केवल समझाने के लिए लिखा और कोई रीजन नहीं है। अब ये क्या हो गया 2 साइन
थ्री थीटा कॉस टू थीटा, अच्छा कॉस माइनस थीटा प्लस हो जाता है इसलिए अलग से लिखना नहीं पड़ा, एंड प्लस ऑफ साइन थ्री थीटा। यस और नो? पूरे फंक्शन के कंसेप्ट के साथ ही होगा ये, अगर फंक्शन नहीं पढ़ा अच्छे से तो दिक्कत आएगी और नहीं तो नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब टू साइन थ्री थीटा कॉस टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा दोनों में कॉमन है, आपने साइन थ्री थीटा कॉमन ले लिया, तो बोलो टू कॉस टू थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। यस और नो? इस मीन्स की साइन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो और टू कॉस टू थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो थ्री थीटा इक्वल टू एन पाई, तो थीटा इक्वल टू एन पाई बाय थ्री, एंड टू कॉस टू थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू। अब देखिए माइनस वन अपने आप बनते जाएंगे, आपको लजना नहीं है इसमें। अब एक बार बताइए कॉस टू थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू, आप चाहें तो इसे लिखेंगे कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री, माइनस रहने दो बाहर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस वाला, तो टू थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई थ्री, टू का डिवाइड भी कर दो, ये टू पाई बाई थ्री तो प्लस माइनस पाई बाई थ्री। यस, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब इन क्वेश्चन में मेथड के साथ साथ ऑप्शन बी 100% हेल्प करते हैं। अगर आपको कभी लगे कि टाइम पर ऑप्शन से मेथड सीखना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं ऑप्शन से कैसे करेंगे, पर सीखना मेथड है पहले, क्योंकि आपको ये टॉपिक का एप्लीकेशन कई जगह पे यूज होगा, स्पेशली कैलकुलस में, तो वहां आपको इसका सॉल्यूशन नहीं देना होता, वहां आपको केवल जनरल सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करना होता है। बाकी अगर पर्टिकुलर यही टॉपिक आ जाए तो ऑप्शन में कैसे यूज कर सकते हैं बता रहा हूं। थीटा की वैल्यू दो आएंगे आंसर, आपके दो आंसर आए, क्या क्या, एन पाई बाई थ्री और एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। अगर मैं एन की वैल्यू जीरो लूं तो जीरो मिलेगा, जीरो कर रहा है सेटिस्फाई, हो सकता है दो ऑप्शन हो तो अपन ऑप्शन बदल लेंगे, एंगल बदल लेंगे। अब यहां एन की जगह जीरो रखो तो क्या मिला, प्लस माइनस पाई बाई थ्री, आप पाई बाई थ्री रख के देख लो, आपने पाई बाई थ्री रखा, कॉस साइन पाई बाई थ्री बोलो रूट थ्री बाई टू, साइन पाई बाई थ्री इंटू थ्री तो पाई जीरो, अब साइन यहां पे रखो पाई पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू, देखो ये कैंसिल हो गया जीरो। बाई चांस टू ऑप्शन मैच कर रहे हो, क्योंकि जब ऑप्शन मत ढूंढना तो आप एन की वैल्यू वन ले लो, वन लेने पे पाई बाई थ्री पहले ही करवा चुके सेटिस्फाई, फिर जो कर रहे हो उन्हीं को करना, यहां पे वन रखो तो क्या मिलेगा पाई प्लस पाई बाई थ्री या पाई माइनस, तो ये जो एंगल निकला है टू फोर पाई बाई थ्री या टू पाई बाई, ये रख के चेक कर लो आप। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल 100% हेल्प करते हैं, बट ऑप्शन ऑब्वियसली थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, कई सारा एंगल रख के देखना पड़ता है, इसलिए डिपेंड ऑन क्वेश्चन, पर कभी उलझ जाओ तो ऑप्शन की हेल्प बिल्कुल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा नोट कर लो पहले इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, देखिए जरा, कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स या थीटा लिखा होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन है कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब आपको इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, देखिए क्या क्वेश्चन है, कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स, स्टेप्स को कम से कम लिखना है, बट प्रैक्टिस के समय अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो जरूर लिखना चाहिए, उससे फॉर्मूले का एक इनडायरेक्ट रिवीजन होता है जो आपको आगे जाके हेल्प करता है। जैसे आपको दिख रहा है यहां कॉस सी प्लस कॉस डी लगने वाला है, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस, ये लिखना है, इसलिए नहीं, इसलिए कि हम फॉर्मूले को इनडायरेक्टली रिवाइज करते रहते हैं, लिखने से फायदा होता है। यहां पर हो सके तो यही स्टेप लिखें, सीधा टू कॉस ऐड किया बाय टू
इनटू कॉस एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब ये स्टेप को बचाने की कोशिश करना चाहिए, और ये छोटी सी चीज है पर छोटी छोटी चीजों से ही आपके टाइमिंग सेव होंगी, नहीं तो आप लॉन्ग पेपर्स को कंप्लीट कभी भी टाइम में नहीं कर पाएंगे। अब आपको दिख रहा है इसमें टू भी है दोनों में, तो पूरे पूरा टू कॉस टू एक्स कॉमन ले लो। तो आपने टू कॉस टू एक्स कॉमन लिया, तो कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया। अब दो बातें हो गई, एक कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो और कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहां पर अगर हम देखें तो कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, याद है ना, टू तो कॉन्स्टेंट है, एंगल को लिया जाएंगे, है ना, टू तो कॉन्स्टेंट है ना, टू थोड़ी कभी जीरो होता है। तो यहां पर ये टू एक एंगल का, इसको लेना पड़ेगा। तो एक्स कितना आ गया, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई फोर यहां पर आए, तो कॉस एक्स इक्वल टू बोलो वन, तो एक्स आप चाहो तो इसको वन को कॉस जीरो लिख सकते हो, तो एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस जीरो, तो टू एन पाई ही मिलेगा। कॉस जीरो कब कब होता है, टू पाई के मल्टीपल पे, पाई के नहीं, पाई माइनस वन होता है, पाई थ्री पाई फोर पाई सेवन पाई पे माइनस वन होता है, जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एट पाई पे जीरो होता है, राइट, नोट कर लीजिए। देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना बिल्कुल सही पूछा है, कि अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आपने ऐसे ऐसा लिखा, देखिए जो दिमाग में डाउट आते हैं वो बिल्कुल पूछ लेना चाहिए, ऐसा लिखा और इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि अब इसमें एक दिक्कत है, जब भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लोगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं किसी भी इक्वेशन के, तो कैंसिल नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं तो रूट्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ रूट्स कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते, कॉमन लेके ही करना, नहीं तो आपका सॉल्यूशन ही कम हो गया। अब आपने ये लिखा तो आपको एक ऑप्शन ये भी दिख रहा होगा, मैं बता दूं 2n पाई, अब ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं 2n पाई b 2n सॉरी ये लिख देंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, c लिख देंगे a एंड b बोथ, अब आपकी नजर ही नहीं गई, आपने 2n पाई लगाया और हो गए आगे बढ़ गए, तो गलत थोड़ी है वो, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कभी भी जब रूट्स निकालने होते हैं, सॉल्यूशन निकालने होते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो चाहे पॉलीनोमियल हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो कोई भी इक्वेशन हो, इक्वेशन की बात कर रहा हूं स्पेशली, तो कैंसिल नहीं करा जाता, उन्हें कॉमन लिया जाता। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते पहले तो बेसिक ही बता रहा हूं, फिर एक एक टाइप लेके, टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अभी मैं आपको इसको फिर एक पहले एक बेसिक फॉर्मूले के बाद बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद एक एक टाइप लेके करेंगे डिटेल में, जिससे कि आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम ना जाए, ये ध्यान रखिएगा, करिए जरा ये। टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल टू जीरो, अब देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि ये कॉस है वो साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करोगे, इसको कॉस बनाना आसान नहीं है, इसको साइन बनाना आसान है, तो आप लिखोगे टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तब आप बोलोगे टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल टू, तो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, फैक्टर बन रहे हैं तो बना ले, मान लो नहीं बन रहे तो हम गोफर फॉर्मूला मेथड, अभी तो बन रहे हैं, माइनस फोर लाना है इजीली आ जाएगा, तो टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, टू साइन एक्स कॉमन, तो साइन एक्स माइनस टू वन कॉमन बोलो, इसका अभी स्टेप्स लिखना नहीं है, मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूं इसलिए लिखता हूं, टू साइन एक्स प्लस वन। अब एक बार बताइए साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या, क्योंकि साइन एक्स कभी टू नहीं, पर हो सकता था ये ऐसा निकले, ये भी एक से छोटा, ये भी, तो दोनों होते, ये कोई रूल नहीं है कि एक हमेशा ही कैंसिल होगा, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब क्या बचा आपके पास, बोलो साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो आप बोलोगे साइन एक्स टू साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई सिक्स, तो एक्स इक्वल टू, इसलिए पहले बेसिक क्वेश्चन करो तो एडवांस क्वेश्चन अपने आप बनेगा।